अगस्त क्रांति के मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक की अध्यक्षता में सम्पन्न एक समारोह में वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस का गौरवशाली योगदान रहा है। देश के हजारों सेनानियों ने देश को गुलामी से मुक्त करने की दिशा में निर्णायक कार्य किया, जिसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अगस्त क्रांति जिंदाबाद, अगस्त क्रांति जिंदाबाद। आज यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस है, साथ ही साथ भारत की आजादी के लिए जो संग्राम छिड़ा था उसमें 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने एक देश को मंत्र दिया, करो या मरो करके, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें ये तय किया गया कि अब केवल एक ही मांग है कि भारत को आज़ादी दो। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को रखा, कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया। 8 तारीख रात को जब ये प्रस्ताव पारित हुआ तो सारे हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया, कई नेता भूमिगत हो गए, लेकिन इस आह्वान के पास पूरे देश में ऐसी भयंकर लहर चली, देश की आज़ादी के लिए पूरा देश उग्र हो चुका था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो हमारे जो ब्रिटिश शासन था उस पर अमेरिका, रूस और चाइना का भारी दबाव था कि आप भारत को भी विश्वास में लें, जर्मनी और ये इनके खिलाफ जो युद्ध चल रहा था तो उनका भी दबाव था कि आप भारत से समझौता करें। अंग्रेज सरकार उसमें दबाव में थी, कांग्रेस ने इस परिस्थिति को समझते हुए निर्णायक चोट की कि देश की आज़ादी के लिए करो या मरो, जैसे भी हो आप लोग सत्याग्रह करें, कुछ भी करें, ये आंदोलन जारी रखें, उसके लिए आपको अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़ सकती है, इसलिए उसके लिए भी आप तैयार रहें। देखिए, आज 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा जो किया गया था, आज हमारे यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है। आज हम हमारे जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक के नेतृत्व में हम धूमधाम से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, युवाओं को रोज़गार देने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से गद्दी छोड़ो का नारा हमारा भी रहेगा, और जो आज भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा अत्याचार था, महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके गरीब तबके के लोगों का उत्पीड़न किया है, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और आज हम उसे धूमधाम से मनाकर भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि आप भी पूरे देश, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस सत्ता को छोड़ने का काम करें। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।